आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड एस्टेब्लिश द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। इस वीडियो में हम दिए गए रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करेंगे और ऐसा करने के लिए ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो बनाएंगे। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। फर्ज करें इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम जानते हैं कि इनका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए है। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को ए से डिवाइड करें, तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो हासिल होगी। इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो। इस तरह लिखने से आपको माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए दो टर्म्स नजर आएंगी जो कि हमारे सम और प्रोडक्ट के बराबर हैं। तो हम इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हासिल होगी। दूसरे अल्फाज में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। बुक में दी गई एग्जाम्पल को देखते हैं। हमें दिए गए रूट्स 3 और 4 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम इक्वेशन के फैक्टर्स लिख लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो इसके दोनों फैक्टर्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अपनी इक्वेशन हासिल कर सकते हैं, x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। दूसरे तरीके के मुताबिक हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा होते हैं। रूट्स को इस्तेमाल करते हुए एस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 जो कि 7 होता है, प्रोडक्ट यानी पी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 जो कि 12 होता है। अब फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो को इस्तेमाल करते हैं और एस और बी की वैल्यूज को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन हासिल हो जाएगी जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था हमारा आज का लेसन।